स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 एवं क्लीन एयर मिशन को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर शहर में वायु प्रदूषण गुणवत्ता के नियंत्रण एवं सुधार हेतु नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा आमजन में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लगातार लोगों को इंदौर की जलवायु में प्रदूषण का स्तर ना बढ़े इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि हर किसी को इस विषय में जागरूक किया जा सके। लोगों में जागरूकता आएगी तभी वातावरण में अत्यधिक पॉल्यूशन घुलने से बचाया जा सकता है। 15 संत सिंगाजी ताप परियोजना में कोल कंपनियों से कोयला बुलाने के लिए 60 बोगियों की रैक बुलाई जाती है जिसका खर्च 1 करोड़ रुपए के लगभग होता है, जिसमें भी आधा पत्थर आने के कारण कोयले के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहले ही कोयले की कमी से जूझ रही है ताप परियोजना, बिजली उत्पादन भी कम हो गया है। 4 में से 2 इकाइयों से हो रहा है बिजली उत्पादन, वह भी आधे लोड पर। कोयले के रेट में पत्थरों के आने के कारण उठानी पड़ रही है दोहरी मार, जनता के रुपए भी बर्बाद हो रहे हैं। सरकार को भी लग रही चपत, फेज 1 और फेज 2 के वैगन टिपलर के बीच लग रहे हैं पत्थरों के पहाड़। रेड 9 न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। भी कंट्रोल हो सके इसके लिए भी रहवासी कॉलोनियों एवं बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाए गए। देखिए हम लोग जिस तरह से प्रतिवर्ष इस तरह की जो व्यवस्था जो भीड़ बढ़ती है, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, निश्चित रूप से जून में भीड़ भी बढ़ेगी। तो पहली चीज तो कि जो कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन उसका फॉलो कराना हमारी फर्स्ट जिम्मेदारी रहेगी, और उसके साथ ही साथ जो भीड़ बढ़े उसमें कोई असामाजिक तत्व किसी तरह का जानवरों को परेशान ना करे, तो हमारे गार्ड हमारे जो जू के एम्प्लॉज उनको भी हम लोग इस ड्यूटी पर लगाएंगे ताकि किसी तरह का न्यूजेंस ना हो, किसी तरह का वैंडलिज्म ना हो। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे गेट पर भी रहेंगे, इनक्लोजर के आसपास भी रहेंगे, और हमारा जो पीए सिस्टम उससे लगातार हम लोग अनाउंस भी करते रहेंगे ताकि किसी तरह का कोई न्यूजेंस नहीं करे। और हमारे सीसीटीवी कैमरा जो हमारा कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर रूम बना हुआ है कंट्रोल रूम, उसके ऊपर भी हमारी एक व्यक्ति कंटिन्यू बैठा है तो वॉच करते रहता है। तो ये सब सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए हुए हैं जो एक जू के स्मूथ रनिंग के लिए और न्यूसेंस को या किसी तरह का जो दिक्कत होगी उसको मैनेज करने के लिए, तो ये जितने उपाय हमारे काफ़ी है, और इस चीज़ों से हम लोग जो प्रतिवर्ष जिस तरह मैनेज करते हैं इस बार भी मैनेज कर लेंगे।